हेलो गाइस, यू कैन सी ऐसे ये बिल्कुल कुछ सेल का माल नहीं है कोई ऐसा नहीं कि डिस्काउंट चल रहा है। ये बेसिकली भाया एक्वा का प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, सारे के सारे, जो कि है जनाब एक कोरियन ब्रांड। तो ये इस तरह दिखाने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि मैं यहाँ सेल लग रही है या जो भी समथिंग लाइक दैट। ये बेसिकली ए टू जी ऑलमोस्ट सारे मास्क हैं, सवाए एक दो के जो मैंने इसमें रखे नहीं होंगे, माइट भी मैं निकाल चुकी होंगी। मगर ये कि मेरे तकरीबन को थर्ड ऑर्डर था ये, जो मैंने स्पेशली इनके प्रोडक्ट्स मंगाए क्योंकि आई एम जस्ट इन लव विद कोरियन प्रोडक्ट्स। और ये ज़्यादातर आप लोगों को भी पता होगा कि इनका जनाब एक तो रिज़ल्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है, उसके बाद स्किन हो जाती है। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं आधे बार छोड़ जाती हूँ बोलते बोलते एक्साइटमेंट में। तो खैर, ये बेसिकली मैं जो भी वीडियो बना रही हूँ इसका ये है कि मैंने सारे के सारे एक एक दफ़ा यूज़ किए हैं और मैंने ये थर्ड टाइम मंगवाए हैं, ठीक है। तो जनाब मसला ये है कि कुछ में मसले हैं और कुछ बहुत ज़बरदस्त हैं। तो लेट मी टेल यू वन बाय वन ऑफ ईच मास्क, किसका क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव है, कौन से स्किन टाइप के लिए। तो लेट स्टार्ट इट जनाब, जहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ें एंड करते जाते हैं। अच्छा, ये 24 गोल्ड सीरम। अच्छा, लेट मी टेल यू वन थिंग कि मैंने पहले एक वीडियो पोस्ट की थी जब मैंने ये फर्स्ट टाइम सारे के सारे मंगवाए, सारे तो नहीं, चंक्स में कुछ मंगाए थे। तो आई वॉज सो मच एक्साइटेड, मैंने तब जनाब एक मतलब वीडियो बेसिकली बना दी कि आई विल पोस्ट द रिव्यूज़ ऑफ इट व्हेन आई यूज़ इट। तो खैर, अब ये वो रिव्यू था, वो तब था जब मैंने मंगाए थे। अब ये मैं जो रिव्यू दे रही हूँ तब वो उसका दे रही हूँ जो मैं यूज़ कर चुकी हुई हूँ, ठीक है। ये जनाब 24 गोल्ड के सीरम है, मतलब हाइड्रा वाला है इसका, और एक और जनाब ये वाला, ठीक है। ये वाइट मास्क है, ये जनाब गोल्डनिश मास्क है, चंक्स में इसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट आता है। तो नो डाउट इनका, इनके सारे जितने भी हैं ऑलमोस्ट सारे सवाए एक के जो है वो उधर पड़ा हुआ एग वाला है जनाब, मैंने दिल रखा नहीं है, वो दूसरा मैंने फ्रिज में रखा था क्योंकि मैंने वो यूज़ किया था। तो मोस्टली ये होता है कि आप फ्रिज में रख देते हो यूज़ करने से पहले ताकि फॉर बेस्ट रिजल्ट, और आपको सूदिंग इफेक्ट अलग आता है, उसके अलावा ये होता है कि रिज़ल्ट भी अच्छा होता है। तो मैं मोस्टली जो यूज़ करना होता है मैं सबसे पहले फ्रिज में रख देती हूँ, और अगर मुझे टाइमली आज ना रहे तो मैं डीफ्रीज़र में रख देती हूँ, डीफ्रीज़र में। तो ये होता है कि आप मोस्टली 20-30 मिनट्स बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। है इसका जनाब बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट था, ठीक है, और इसका इससे भी ज़्यादा था। द थिंग इज़ कि ये जनाब मतलब इनका ना मुझे एक बेस्ट चीज़ जो लगी इनके अंदर, इनके मास्क के अंदर सीरम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेट मी सेट दी कैमरा फर्स्ट कि आपको काफ़ी डिटेल से भी नज़र आ जाए, ठीक है। तो ये जनाब के इसका गोल्ड हाइड्रोनिक एसिड मास्क था, तो इसका इफेक्ट नॉर्मल था मगर इसका इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त था और लॉन्ग लास्टिंग है इनका। यानी कि आप रात को लगाते हैं तो आपको 2 दिन तक तो लगता है आपने फेशियल किया हुआ है, और वीक के बाद भी इवन आप इसको बहुत अच्छे से वो कर सकते हो कि चल रहा होता है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, एक आप लोगों को टिप बताती हूँ, क्योंकि इनके मास्क में सीरम बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं क्या, एक एम्प्टी बॉक्स होता है, मैंने मेरा ख़त्म हुआ था बॉडी शॉप का, तो उसके अंदर मैंने एक बॉक्स था, कोई सा भी बॉक्स ले सकते हो, उसमें ये एक्स्ट्रा सीरम में ना उसमें डाल देती थी, क्योंकि मेरा फेस जो है जनाब थोड़ा राउंड सा है, स्मॉल सा है, इवन मैं फेस पे भी लगा लेती हूँ, फिर हाथ पे भी, पाँव पे भी, इतना ज़्यादा होता है। तो समटाइम्स स्पेशली दिस वन, इसमें बहुत ज़्यादा सीरम था, सबसे ज़्यादा जो सीरम था इसमें था, तो मैं फिर वो उसको बॉक्स में डाल देती हूँ। फिर कभी समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको फील करती, मतलब फील ऐसी आती है कि आपको थोड़ी स्किन कुछ मांग रही है, तो मैं वही बेसिकली या ब्रश से या हाथ से लगा लेती होती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इट्स अ टिप क्योंकि मैंने यूज़ किया तो उस लिहाज से बता रही थी। अच्छा, तो जनाब ये ज़बरदस्त उस लिहाज से, ये जनाब ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, दीज थ्री आर लाइक फॉर रिंकल्स, ठीक है, आपकी जो रिंकल्स वाली फेस होता है, ड्राई वाला, स्पेशली ड्राई वाला। ये तो मैं कहती हूँ 100-200% रिकमेंड करती हूँ जिनकी बहुत ड्राई स्किन है और जिनकी रिंकल्स बहुत हैं, ठीक है। आई ऑर्डर दिस फॉर माई मामा, ये बायो एक्वा का है, तो बहुत ज़बरदस्त है, लाइक लिटरली हम मास्क दूसरी दफ़ा यूज़ नहीं कर सकते मगर इतना सीरम है इसमें कि आप इसको दूसरी दफ़ा भी यूज़ कर लो, मतलब बेसिकली प्रेफर ये होते हैं कि नहीं करना होता,
आप ये जो टिश्यू मास्क होते हैं उनको एक ही दफ़ा यूज़ करते हो, बट इट्स रियली वर्क लाइक अ हॉर्स हॉर्स इंजनस में, ठीक है? तो मतलब बहुत ज़बरदस्त है ये, लाइक अमेजिंग। ऑयली स्किन के लिए इतना एज सच नहीं अच्छा, मगर जिनका जनाब ड्राई स्किन है, जिनके रिंकल्स हैं, बेस्ट टेस्ट है ये, ठीक है? सबसे बेस्ट उस लिहाज से ड्राई स्किन के लिए है। लेट्स कम टू दिस वन। और ये जनाब जैसे कि नज़र ही आ रहा है जनाब, के वी शेप है डबल चिन के लिए। अच्छा इसका इसमें, ठीक है? और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस वन, इनके जो मास्क हैं ना, ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ दूसरों को किसी का, इनका तो मुझे इसलिए याद है रिसेंटली यूज़ किया था मैंने, ठीक है? और आई गेस वो योगर्ट वाले में भी ना, इस वाले में भी, क्योंकि यू कैन सी इट कि ये खुला तो ये भी थोड़े से पहले यूज़ किया था मैंने, तो मुझे जो ख्याल है कि मैंने वीडियो बनानी, इसलिए मैंने नहीं फेंके इनके सिर्फ और सिर्फ कवर्स, बाकियों के मैं फेंक चुकी हुई थी। तो इनके जो मास्क हैं बेसिकली, इनकी बेस्ट चीज़ क्या है जनाब, ये एक कान वाला ना, इसका कान के पीछे से भी आते हैं ये, ठीक है ना? बड़े मज़ेदार ये कि आपको कान के पीछे से आते हैं, ठीक है, चेन के नीचे से ऊपर कान पे अटैच कर लो और कान से भी इसमें करके। अच्छा तो बड़ी मज़े की इनकी चीज़ है, एक बेस्ट चीज़ इसकी और सेफोरा की। सेफोरा का मैंने जो ट्यूटोरियल दिया उसमें भी मैंने मेंशन किया है उनके, क्योंकि उसके मास्क की बात हो रही थी। इसकी मास्क उसके लिहाज से अगर रिलेट करते हैं तो उसमें क्या बेटर है कि इनका जो ना साइज़ लार्ज है, यानी कि आपका बहुत चौड़ा बड़ा फेस भी है ना, तो दे प्लान्ड समथिंग लाइक दैट कि आपका फेस से एक्स्ट्रा ही बाहर आ रहा होता है छोटा ना। तो सेफोरा के जो मास्क है ना वो छोटे हैं, उनका साइज़ फॉर स्मॉल एंड स्लिम फेसेस के लिए। तो ये जो है ना ये बिल्कुल नॉर्मल, बेसिकली इट्स नॉट, लेट मी टेल यू वन थिंग, इट्स नॉट अ पीआर वीडियो एट ऑल। तो क्योंकि कह रही हूँ सेफोरा का प्रोडक्ट का रिज़ल्ट मतलब डेफिनेटली अच्छा है, मगर इसका उस लिहाज से बहुत अच्छा है। तो इनकी स्मेल बड़ी ज़बरदस्त है, स्मेल उनकी भी अच्छी है, मगर इसका साइज़ बड़ा है। और दूसरी चीज़ उससे बेस्ट जो है कि इनमें सीरम्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, मतलब इनकी लिक्विड की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से होता है कि आप ड्राई ले थोड़ा टाइमली होता है और स्किन जल्दी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है एज़ कम्पेयर टू दी सेफोरा प्रोडक्ट, ठीक है। आई लाइक दिस सो मच। और इसमें अच्छा ये जो है ना ये फॉर नॉर्मल स्किन है, जबकि ऐसे लगता है योगर्ट वाला है तो शायद ये मतलब ड्राई स्किन का होगा, मगर ये ऑनेस्टली इतना ज़्यादा ऑयली नहीं था कि जो ड्राई स्किन के लिए आ सके, ये नॉर्मल स्किन का, नॉर्मल टू ड्राई कह सकते हो, बट इट्स फॉर नॉर्मल स्किन, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ कि नॉर्मल स्किन वाली एक जगह रख देती हूँ, ऑयली वाली एक तक एट दी एंड यू कैन फिगर इट आउट कि कौन सा ऑयली के लिए, कौन सा नॉर्मल के लिए, कौन सा ऑयली के लिए, ठीक है। तो इट्स फॉर नॉर्मल स्किन, ठीक है, दिस इज़ फॉर ड्राई स्किन, दिस इज़ फॉर कैजुअल स्किन, ठीक है, हर किसी के लिए आ सकता है। दिस इज़ अगेन इट्स कैजुअल टू जनाब ड्राई स्किन, ठीक है। ये भी जनाब ये रिंकल वाला है तो रिंकल्स मोस्टली इस लिहाज से, क्योंकि ये जूसी भी बहुत है, जूसी इन सेंस का सीरम बहुत है, ठीक है, तो ये भी इसमें जाता है। अच्छा एक चीज़ मैं एक अलग से बनाती हूँ ये पोर्शन जो इट्स फॉर रिंकल्स, ठीक है, रिंकल्स के लिए एंटी एजिंग टाइप का, ये बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा ये जनाब ये मैंने यूज़ किया था, इट्स फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन, सॉरी ऑयली स्किन, क्योंकि इसका आप मतलब इवन तो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया भी था कि इफ़ यू कैन सी इट नज़र आ रहा है, तो ये जनाब ये ना नॉर्मल स्किन के लिए नॉन स्टिकी सच एज मॉर्निंग, ठीक है, कंडेंस टाइप का थोड़ा है, और ये कि इम्प्रूव स्किन ड्राइनेस एंड लैक ऑफ वाटर, मतलब ये ना थोड़ा नॉर्मल जैसे आप कहते हैं ना मॉइस्चराइजर टाइप का, तो ये नॉर्मल स्किन के से लेके थोड़ा सा ऑयली स्किन टाइप तक जाता है, ठीक है। तो खैर ये मैं इसको प्रेफर करूँगी फॉर दी ऑयली स्किन, ऑयली टू नॉर्मल स्किन, ठीक है। दिस इज़ अगेन स्नेल थिंग, और इसका भी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, शाइनी मॉइस्चर टाइप का ये जनाब चीज़ है। अच्छा इसको मैंने जो यूज़ किया था ना ये बैलेंस्ड किस्म का नॉर्मल टू क्या कहते हैं इसको, अच्छा यहाँ तो जनाब नज़र ही नहीं आ रहा मास्क, ये लें जनाब, ठीक है, हम पीछे करते जाते हैं तो मैं रिव्यू करते जाती हूँ साथ साथ ऐसे रखते जाते हैं, तो खैर ये जनाब नज़र आ रहा है ना, ये रिंकल्स टाइप के लिए जो थोड़ी एजड जिनकी स्किन हो जाती है, थोड़ी बहुत ख़राब सी स्किन हो जाती है, तो उनके लिए दिस वन इज़ अगेन फॉर दोज के जिनके रिंकल्स आ जाते हैं। और जनाब
इसकी मतलब ये क्योंकि स्नेल जो होते हैं ना वो हीलिंग टाइप का मास्क होता है, तो आपकी स्किन ये नॉर्मल टू ड्राई पे जा सकता है, ठीक है। अच्छा ये जनाब ये जो है थोड़ी ऑयली स्किन के लिए, ठीक है, नॉर्मल टू ऑयली है ये। अच्छा उसके बाद ये था जो है जनाब फुल ड्राई स्किन के लिए। अनदर वन इज़ ये भी फुल ड्राई स्किन के लिए, लेकिन ये प्रोडक्ट्स हैं बाद में बात करते हैं इसकी। अच्छा ये भी ये जो है ना ये नॉर्मल स्किन के लिए, ये मुझे लगता था कि बहुत बहुत इफ़ेक्टिव होगा, इसमें लिक्विड था मगर मुझे ऐसे लगता था शायद ये ना चारकोल टाइप है, तो क्योंकि ब्लैक था ना ये, तो कि जैसे कि आपकी स्किन को क्लीन अप कर देता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स सिंपली लिटरली या हाइड्रल टाइप, ठीक है, जिनके पैचेस होते हैं आइस के, ठीक है, डार्क सर्कल्स होते हैं और दे कैन यूज़ इट फॉर दैट पर्पज़, तो ये अगेन नॉर्मल चीज़ पे आ जाती है, ठीक है। अच्छा ये जनाब जिनकी ऑयली स्किन होती है ना उसमें जनाब ये क्लिनजिंग फॉर्म का पर्पज़ यूज़ करता है, रिच एंड फोमी चारकोल एब्जॉर्ब ऑयल कंट्रोल, टोटली टोटली ऑयली स्किन के लिए, ठीक है। इवन इसके बाद आप फिर ना कोई भी इनका ये जो है ना, पहले तो मैंने बात नहीं किया था मगर इनका ये टॉनिक बहुत ज़बरदस्त है, मैंने यूज़ किया है ये, ठीक है, तो स्पेशली ये अच्छा है, मगर इससे ज़्यादा अच्छा मतलब ये अच्छा है नो डाउट, मगर मैं अभी आपको ड्रॉबैक्स भी बताती हूँ और फंक्शनैलिटी और प्लस पॉइंट भी प्रॉन एंड कॉन्स बताती हूँ। ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है, उसके एज़ कम्पेयर टू दैट वन, मुझे जो पर्सनली यूज़ में अच्छा लगा, ठीक है। उसके अलावा एक सीरम्स बाकी हैं जनाब, विटामिन सी का सीरम है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसका मैं बताऊँगी, आई गेस वो रशीद राश पता नहीं किस प्रोडक्ट का नाम है उसका, खैर आई विल टेल यू लेटर ऑन। अच्छा खैर इसके बाद एटलीस्ट आपने कोई सा भी मॉइस्चराइज़र या सीरम ज़रूर लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये लिटरली इट वर्क्स फॉर दी ऑयली स्किन, ठीक है, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर देम। अच्छा ये जनाब ये नॉर्मल टू एवरी काइंड ऑफ, ये बेसिकली ब्राइडल टाइप है ना, तो ये इसमें बड़ी चीज़ें इन्होंने ना मतलब उठाने वाली चीज़ें हैं ना, स्किन को उठा देती है, और अगर किसी के पिंपल्स वगैरह हैं तो वो भी इसका मतलब अच्छा ज़बरदस्त इसका रिजल्ट था, ठीक है। इवन नो डाउट नो डाउट इनके सारी जितने भी मास्क है ना वो लगाने के बाद एक दफ़ा तो ऐसा मास्क आता है कि आप वाकई कोरियन बन गए, आपकी स्किन ना सही ग्लो करते हैं, मतलब लिटरली उसके बाद धोने का दिल नहीं करता, तो मतलब बहुत ज़बरदस्त है। ये भी नॉर्मल स्किन के लिए, तो नॉर्मल स्किन की रेंज की कुछ ज़्यादा होती जा रही है, ये खैर ज़्यादा ऑयली वाले ये के लिए है, ये भी ऑयली के लिए है, ठीक है, आई गेस यू कैन सी इट, हाँ, तो ये नॉर्मल के लिए है, ये टोटली ड्राई के लिए है। अच्छा इट्स फॉर एवरी टाइप ऑफ स्किन, क्योंकि ये रोज़ वाला है, ठीक है, और मॉइस्चराइज़र है ये मोस्टली ऐसा है जब आपको स्किन बर्न हो जाती है या कभी आप लोग ब्लीच वगैरह करते हो तो, या कुछ भी ऐसा जैसे सूदिंग इफेक्ट के लिए, ठीक है। और सीरम तो सब में माशाल्लाह जनाब अखीर किस्म का है, ज़्यादातर जो कोरियन मास्क वगैरह होते हैं या कोरियन प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें हाइड्रोलिक उन्होंने एसिड्स वगैरह डाले होते हैं, वो बेसिकली मैं मतलब एक देख रही थी हमारी नेबर्स होती थी कोरियन होती थी, तो वो बेसिकली बताती थी कि जब ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते थे ना तो ये बेसिकली एक प्रोडक्ट था हाइड्रोलिक इफ़ एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें ये ना डाल के चीज़ चीज़ें बना रहे थे, उसके बाद उन्होंने नोटिस किया कि उनके हाथ की स्किन बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि जो कॉन्स्टेंटली विद इन वीक टू वन और टू वीक यूज़ कर रहे थे ना उनके स्किन में एक बड़ा अखीर किस्म का हाथ में डिफरेंस आया, उसके बाद से उन्होंने सोचा कि ये स्किन के लिए बहुत अच्छी है, तो वो ऑलमोस्ट एवरी प्रोडक्ट में दे यूज़ इट फॉर इट, ठीक है, फॉर ब्यूटी पर्पज़, और इसमें भी डेफिनेटली। अच्छा तो ये नॉर्मल स्किन के लिए, ठीक है जनाब, ये आगे नॉर्मल के लिए, लेट मी मतलब प्रीटी से करके रख दूँ थोड़ा सा अरेंज करके। अच्छा नाउ कम टू द वाइटनिंग मास्क, ठीक है, इट्स वाइटनिंग मतलब अगेन अब ऐसा लगेगा जैसे कि पता नहीं क्या मगर ये कि वाकई इनको ना 15 मिनट्स ज़्यादा, अच्छा हाँ कभी भी किसी भी मास्क को 15 to maximum 20 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना, ये समझे कि नहीं यार और एब्जॉर्ब हो जाएगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा, नहीं, एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है, आपकी स्किन की एक लिमिट होती है, एक टेंडेंसी होती है कि उस टाइम तक वो एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद मतलब गेट साइड इफ़ेक्ट्स फॉर दैट, इतने नहीं होते बट फिर स्टिल आपको थोड़ा क्या कहते हैं उसे बैलेंस रखना पड़ता है। खैर इट्स अगेन फॉर द नॉर्मल स्किन और इसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त था, ठीक है, इसका इसका भी और इसका भी,
आई रियली लाइक इट. ठीक है. अच्छा जनाब, ये जो है ना, एक मुझे लगता है ये इनका ना जूंगा चूंगा नहीं होता, क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा पीस होता है जो एक्स्ट्राज आपको बोनस में बाय वन गेट वन फ्री मिलता है. जितनी भी दफ़ा मैंने ऑर्डर किया जनाब, ये हमेशा मुझे फ्री मास में ये मिला है. यू कैन इवन सी अभी भी मेरे पास, इवन दो आई हैव यूज्ड इट बट अगेन, बट अभी भी मेरे पास 1-3 मास पड़े हुए इसके. ठीक है. तो जनाब, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको फ्री में मिल रही हो तो आपको थोड़ी उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो मैंने इसको अभी तक लिटरली यूज़ नहीं किया. ठीक है. हाइड्रो मॉइस्चराइजिंग मास्क, चलो नेक्स्ट टाइम आई विल यूज़ इट आप. मगर ये कि अभी तक किसी भी सवाए इसके मुझे किसी भी मास्क पे डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई लिटरली, कि यार पैसे वेस्ट किए जो भी है. मगर अभी इनकी बहुत अच्छी डील्स चल रही थी, यू मस्ट गो फॉर इट. ठीक है. ये जनाब बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मास्क है. ठीक है. यूथ लाइट 7 विटामिंस एसेंस और कीवी का मास्क है. ठीक है. यू कैन अगेन चेक इट आउट. इसकी कंसिस्टेंसी जनाब मज़ा आ जाता है. मतलब ये मास्क लगा के ना आई मीन जस्ट नहीं होता, जैसे जब आप स्पा में जाते हो, फेशियल वगैरह कराते हो या कोई भी ऐसी चीज़ करते हो, ऑयलिंग करते हो, तो आपको एक चस सी आ जाती है कि यार बस करना है करना, करते रहो. तो ये इन मास्क की भी एक एडिक्शन है, लिटरली एक एडिक्शन है. अल्लाह बचाए ऐसी एडिक्शन से, बट लिटरली एक एडिक्शन है, ट्रस्ट मी. तो खैर ये बहुत ज़बरदस्त मास्क है, इसका एक ग्लो सा इफेक्ट आता है. ठीक है. और आई लव द फ्रेगनेंस ऑफ दिस प्रोडक्ट. ठीक है. स्पेशली द मास्क, वो बाकी प्रोडक्ट्स की तो मैं बाद में बात करती हूँ. तो इट्स गुड, इट्स फॉर नॉर्मल स्किन, अगेन नॉर्मल स्किन टू द ऑयली वन. अच्छा अब कौन सा बच्चे, अच्छा कुछ बच्चे हैं जो कि अभी भी फ्रिज में, सो आई विल नॉट ब्रिंग देम आउट. अच्छा लोगों को ऐसा लगता है, लेट मी कम टू द माई मोस्ट फेवरेट थिंग, लिप्स एंड हेयर. मैंने ये जनाब कोई 4-5-6 मंगवाए. ठीक है. मैंने ब्लंडर मारा, मैंने कहा यार लिप्स की प्रोडक्ट है, मैंने ले ली. आई पर्सनली डोंट लाइक इट दैट मच जितना मैंने सोचा था. इवन तो मैंने कंसिस्टेंटली 2-3 दफ़ा यूज़ किया, मगर मुझे इतना अफेक्टिव नहीं लगा जितना बड़ा इसका साइज़ था, जितना जूसी था, जितना सीरम इसमें लगा हुआ था. इसको लगाने के बाद ना आपको एक थोड़ा सा ऐसे फील आ रहा था जैसे कि कुछ सूदिंग टाइप इफेक्ट, सूदिंग है या इचिंग टाइप है, वट एवर इट इज़, बट इट्स नॉट वर्थ इट. लाइक के इतना वर्थ इट नहीं है कि मैं इतने सारे इस पर लूँ. खैर ये जनाब ये भी नॉर्मल है. ठीक है. खैर मतलब इसकी जो है ना पैचेस इस तरीके, हाँ इनमें एक चीज़ मुझे लगता है मैं इनको प्रेफर करती हूँ, जैसे इसके मास्क है ना, जैसे आपका थोड़ा प्लास्टिक टाइप का इनका मास्क है ये वाला. इफ़ आई हैव इट अगेन इन द डिफ्यूज़र और इन द फ्रिज, तो मैं आपको टेक्सचर दिखाती. इसका ना थोड़ा जेली टाइप का मास्क है, तो मैं प्रेफर करती कि अगर आप सिंपल मास्क भी इस टाइप के स्टफ में बनाओ तो इट विल रियली वर्क इट आउट. मतलब स्पेशली जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा अगर ये ऐसा होगा. मगर अगेन वो एक लिमिट तक होगा, क्योंकि जब वो वाला मास्क लगता है तो आपकी ऑक्सीजन ब्लॉक हो जाती है. तो खैर अब ये जनाब जो ये मास्क जो है ये नॉर्मल है, अच्छा है. ठीक है. लाइक कि आपकी स्पेशली इसका अच्छा रिजल्ट तब आएगा जब आपकी जो ड्राई स्किन होती है, स्पेशली जो जिनके रिंकल्स आ जाते हैं, पफी टाइप होती हैं आइज़, तो उसके लिए ये ज़बरदस्त है. अच्छा इनकी ये जो प्रोडक्ट है ना, जितनी छोटी छोटे पैक में बड़ा धमाल लिटरली. मतलब मेरा बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं. ठीक है. और मोस्टली जिनकी जो ऑयली स्किन होती ना, उनकी ऐसी स्किन होती है, उन पर ये ऐसे आ जाता है. मगर ये जनाब उनके लिए ज़बरदस्त है. ठीक है. नील्स माशाल्लाह इग्नोर इट. तो खैर ये मुझे ये अक्सर लोग कहते हैं कि यार मेरे पास मुझे आई एम जस्ट लव ऑफ नील पेंट्स, लाइक कि मेरे पास 50 शेड्स ऑफ ग्रीन है, ग्रीन के बहुत शेड्स हैं, आप कर लो वर्ल्ड ब्ला ब्ला ब्ला. खैर एक नील पेंट था बहुत ज़बरदस्त अखीर किस्म का, आई विल मैंशन इट इन माई इंस्टा एंड एज वेल एज पोस्ट रिव्यू फॉर दैट. इधर मोस्ट प्रॉब्ली वो ना मिले, शायद अगर मिलेगी तो थोड़ी एक्सपेंसिव मिलेगी, मगर बहुत ज़बरदस्त. यानी कि ऐसी खैर वो अभी इसमें है नहीं, तो हम उसकी बात उसमें करेंगे. तारीफ़ करने में हो तो शदीद, बुराई करने में हो तो शदीद, मतलब कोशिश करते हैं बंदा बुराई थोड़ी कम ही करे. प्रोडक्ट्स की डेफिनेटली टाइम और कॉस्ट चीज़ें आप लगी होती हैं. तो खैर ये जनाब इसके तो जितने आप साशे लो वो काम है. अगर इसकी बॉटल आती है तो डेफिनेटली
बाय, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त है ये, ठीक है। अच्छा अब ये हो गई बात जनाब ऑलमोस्ट एंड फॉर दी। अच्छा जिस तरह ये फ्रूट्स वाले ना, फ्रूट्स वाले क्योंकि मैं थोड़ी ट्रैश कर चुकी हूँ, फ्रूट वाले मास्क मुझे ऐसा लगता था कि इतने इतने बेनिफिशियल नहीं होंगे, इतने जनाब ज़बरदस्त किस्म का नहीं आएगा, नहीं रहेंगे, मुझे ऐसा लगता था पर्सनली। बट इट्स नॉट, आपका मतलब अकॉर्डिंग टू दैट आपके अच्छे लग रहे थे, इनका इफेक्ट अच्छा आ रहा था, ठीक है। तो मास्क वगैरह वाला सीन में भी एंड करती हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत मैसी लग रहा है, बिल्कुल गंदा वाला सीन लग रहा है कि जैसे सेल लगी हुई है और जो स्टॉल्स वगैरह लगा के बैठे होते हैं ना, कि बाय वन गेट वन फ्री। नाउ लेट कम टू माय फेवरेट प्रोडक्ट्स। अच्छा ये बेसिकली मैंने अभी अभी थोड़ा सा पहले ही ऑर्डर किया, ठीक है, आई होप इट्स फोकस्ड। अच्छा स्टार्ट करते हैं जनाब इससे, ठीक है। ये है जनाब हमारी हाइड्रा एडवांस हाइड्रेटिंग ब्राइटनिंग, ये बेसिकली क्लिंजर है, ठीक है। इस पे लिखा हुआ था जब मैंने मंगाया और जब मैंने लगाया और जब मैंने मंगाया तो उस वक्त ये हुआ था जनाब कि मैंने ना क्यों कहा था ये क्लिन, उन्होंने लिखा था ये क्लिंजर है, तो मैंने जनाब एज अ क्लिंजर मैंने जनाब इसे ज़्यादा सारा लिया अपनी स्किन पे। पहले जनाब एक सीरम सा मतलब स्प्रे किया, सॉरी सीरम नहीं, स्प्रे किया, थोड़ा सा उसे मॉइस्ट किया और मैंने जनाब ढेर सारा तकरीबन इतना ना निकाल लिया, ठीक है। व्हेन आई जस्ट टुक इट आउट और देन आई रियलाइज कि जनाब ये तो इतना ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं थी। लिटरली इसे जैसे आप छोटे बच्चों को शुरू में एक टूथब्रश पे इतना सा क्या कहते हैं मटर के दाने जितना नहीं देते, आपको लिटरली इसको उतना यूज़ करना है। आई लिटरली लव इट और मैंने मतलब स्पेशली इसे यूज़ किया था रिव्यू के लिए। जस्ट लुक आउट दी पैकेजिंग ऑफ इट, इट्स अमेजिंग, मतलब बहुत ही ना लग्जेरियस टाइप का लुक आती है इसकी और इट इज़ नो डाउट ये है भी। अच्छा मज़े की चीज़ मैं इसमें बताती हूँ, इसमें इन्होंने मेंशन कहीं नहीं किया हुआ, माइट भी किया हुआ क्योंकि कोरियन है, सो डेफिनेटली वी कैन नॉट रीड इट आउट और हम ट्रांसलेट करें तो माइट भी समझ आ सके, कहीं भी अंग्रेज़ी शंग्रेज़ी नहीं लिखी हुई इंस्टेड ऑफ दिस वन। तो लेट मी टेल यू, इसमें ये बना हुआ जनाब एलोवेरा से, एलोवेरा जेल मैंने इसे यूज़ किया था आई गेस, तो ठीक है, यू कैन सी इट आउट। और ये ठीक है, ये जो है ना शिमरी सी आपको लग रही होगी बट इट्स नॉट शिमरी, इट्स लाइक के ये जो है ना जनाब एलोवेरा है, ठीक है, लिटरली एलोवेरा वाली है और ये स्किन उस लिहाज से बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक है ना, कि मतलब मैं आप थोड़ी सी लो उसके बाद यू कैन फील इट। इसको आप एज अ फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हो, मैं मोस्टली ये चीज़ें नहीं उतारती कि सी लगी रह देनी चाहिए, इट्स गुड, इट्स माई पर्सनल सजेशन। खैर मैं इसको वापस डाल दिया जनाब, तो ये मतलब आई रियली हाईली रिकमेंड दिस टू एवरीबडी, स्पेशली फॉर दी ड्राई स्किन टू नॉर्मल, सॉरी ऑयली टू नॉर्मल, तो ड्राई वाले भी यूज़ कर सकते हैं मगर अगेन इसको आपने बहुत थोड़ा लेना है, ठीक है। मैंने मेरी ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा ऑयली है बट मैंने इतनी ज़्यादा ले ली थी, उसके बाद मुझे फिर थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ा, फिर मैंने उस पर स्प्रे स्प्रे किया फेस पे, तो इवन दो इट्स एलोवेरा स्ट्रॉन्ग थिंग के सेंस है मगर इट्स गुड, रियली गुड, इट्स रियली गुड। अच्छा ये जनाब इट्स अ टोनर, मुझे लगा था कि ये टोनर मैं यूज़ करूँगी इट विल बी गुड वन, बट लेट चेक इट आउट इट्स पैकेजिंग, ठीक है, आप इसकी पैकेजिंग देखते हैं जनाब कहाँ से खुलेगा। आई लाइक दी पैकेजिंग ऑफ इट, ठीक है, लाइक चेक इट आउट द बॉटल और इसका मतलब, ठीक है, ज़बरदस्त इसकी पैकेजिंग है, ठीक है। सॉरी टू से बस जब मैं बहुत ब्लंट हो जाती थोड़ा, मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बंदा बोल सोच के बोलता है बट ऑनेस्टली इसका जो टाइप है ना मतलब क्वालिटी बड़ी अच्छी है इसकी बॉटल की, ठीक है। अच्छा जनाब इंस्टेंट और ये आई होप यू कैन सी इट आउट। अच्छा मुझे ऐसा लगता है शायद मैंने ये यूज़ तो कर लिया मगर आई थिंक कि मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, पर नहीं है। अच्छा चलो, अच्छा ये मुझे, मैं बार बार जो कह रही थी क्यों मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, मोस्टली होता है कि टोनर्स जो होते हैं ना, लिखा तो हुआ है हाँ,
टोनर्स क्या होता है, स्प्रे होता है, ठीक है, आप मोस्टली स्प्रे यूज़ होता है, बट इसकी जो बैड थिंग जो मुझे लगी, जिसकी वजह से मेरा दिल उठसा गया इस पे से थोड़ा सा, वो ये है जनाब, आई होप यू कैन सी इट, खैर उसका ये जनाब कि इसका है ये, ठीक है, ये वाला सीन है विच मेक इट्स अ बिट बैड। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी आई थॉट के थोड़ी लिक्विड ही हो गई क्योंकि टोनर है, बट इट्स लाइक अ क्रीमी वन और नॉर्मल स्किन के लिए, ठीक है, ये इट्स फॉर द नॉर्मल स्किन, यू कैन चेक इट आउट, मोटे मोटे हाथ लग रहे हैं, खैर थोड़ा गर्म पानी ना पियो तो बंदे का स्वेल भी हो जाता है ऐसा। अच्छा, यू कैन चेक इट आउट, ठीक है, इसका टोनर है ये थोड़ा थिक है, इसकी कंसिस्टेंसी थिक है, दूसरा इसका स्प्रे बॉटल नहीं है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आया, मगर ये कि आई विल रेड इट आउट देन इट विल बी 3.5। तो जितना मैं सोच रही थी जिस तरह इनके बाकी प्रोडक्ट्स थे उस लिहाज से इतना अच्छा नहीं है, मगर ये कि अगर आपकी नॉर्मल स्किन है और ऑयली स्किन है देन डेफिनेटली इट्स गुड। सिर्फ और सिर्फ अच्छा इंसेंस अगर मैं 4 इसको दे रही हूँ, 4 out of 5, द रीज़न इज़ कि एक तो ये थोड़ा लिक्विडी कम है, माइट बी इट्स अ गुड कि आप लिक्विडी चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, इतना इफेक्ट नहीं आते, ज़्यादा देर तक स्किन पे नहीं रहती, तो माइट बी इस वजह से मैंने थोड़ा सा थिक रखा है इसे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, ओह आई जस्ट चेक द टाइम, बहुत सारा लंबी वीडियो गई, जस्ट माइंडेड आप, तो स्प्रे की वजह से, ठीक है, अदरवाइज इट्स अमेजिंग। अच्छा, इनमें से एक तो ये ज़बरदस्त है, दूसरी ज़बरदस्त ये चीज़ है, ठीक है, बाकी भी हैं, मतलब और भी काफ़ी सारी चीज़ें, खैर चेक आउट द बॉटल। अच्छा, जितनी मज़े की चीज़ होती है उतनी छोटे साइज़ की होती है, इसको मैंने जनाब तकरीबन कोई 2 दफ़ा यूज़ किया होगा जब से ये आई है, और यू जस्ट चेक इट आउट, आई एम नॉट लाइक चेक द साइज़ ऑफ इट, ठीक है, और ये जनाब इसका इतना है, ठीक है ना, मतलब मैंने 2 दफ़ा यूज़ किया होगा तो ये इतना है, और माइट भी इससे पहले इतना हो, तो खैर, मगर इसकी स्मेल बड़ी ज़बरदस्त है, ये ट्रांसपेरेंट सीरम है, ठीक है, इट्स नॉट दी वाइट वन, ट्रांसपेरेंट और थिक सा सीरम है, ठीक है, मगर इट्स रियली वर्थ इट आउट, और आई थिंक इट्स वर्थ इट, आपको लेना चाहिए, आई रिकमेंडेड 5 out of 5, ठीक है। तो वेयर इज़ द रिव्यू ऑफ ऑल द बायो एक्वा प्रोडक्ट्स, ठीक है, the mask and the products, ठीक है, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है तो आई जस्ट एंडेड अप, और जनाब ये सारे के सारे मास्क वगैरह और इन सब का रिव्यू है, तो आई होप इट विल बी यूज़फुल फॉर यू गाइज, और थोड़ा बड़ा फॉर्मल सी वीडियो बनी है, तो खैर ये कि यू कैन चेक इट आउट एट दी एंड, में वीडियो के एंड में स्पेशली मास्क बता दूंगी कौन कौन से जनाब ड्राई स्किन के लिए, कौन सा, इवन तो मैंने वीडियो में बताया है, बट फिर भी अगेन आई विल जस्ट टेक अ पिक्चर ऑफ इट और आई विल अपलोड इट एट दी एंड ऑफ द वीडियो। होप यू गाइस लाइक इट, और अप्रिशिएट करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें इंस्टा पेज, और अगर कोई और चीज़ की चाहिए हो तो डू लेट मी नो, टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।